Assalamu alaikum students, I am Farah from the Knowledge House. How are you? I hope you all are fine. Now today I will teach you Unit 1 of Gohar English Grade 7. So Unit 1 है हमारा Jameel is ashamed. Jameel शर्मिंदा था. Ashamed की meanings हैं शर्मिंदा होना. मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि इस लेसन में एक थे मिस्टर जमील, उनके पास एक रेड स्पॉटेड हैंडकरचीफ था. वो एक मीटिंग में गए, उन्होंने वो रुमाल चार पांच बंदों को यूज़ करने के लिए दिया, लेकिन जब वो वापस जा रहे थे और उनको छींक आई, वो छींकना चाहते थे रुमाल में, तो उनका रुमाल अपनी पॉकेट में नहीं था. तो उन्होंने समझा कि शायद मीटिंग में किसी ने मुझसे ये रुमाल ले लिया है. वो उसका पता चलाने के लिए वापस जाते हैं और सबसे पूछगछ करते हैं, लेकिन आखिर में नतीजा ये निकलता है कि रास्ते में जब वो गिरे थे और उनका पांव जख्मी हुआ था वापस जाते हुए, तो उन्होंने वो रुमाल अपने घुटने पर बांधा था और वो उनको भूल गया था कि उनका रुमाल उनके घुटने पर बांधा हुआ है. और इसके लिए वो सबको इल्ज़ाम दे रहे थे कि किसी के पास उनका रुमाल रह गया या किसी ने उनका रुमाल ले लिया है. इस वजह से आखिर में उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है. Mr. Jameel had a red spotted handkerchief that he liked very much. Mr. Jameel के पास एक सुर्ख धब्बों वाला रुमाल था जिसको वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे. Handkerchief कहते हैं रुमाल को. It was a big one with deep red spots all over it. वो एक बड़ा रुमाल था जिसके ऊपर सुर्ख रंग के सारे रुमाल पर धब्बे पड़े हुए थे. Mr. Jameel always wore it in his front coat pocket where it stuck out a little so that everyone might see it. Mr. Jameel हमेशा उसे अपने जेब के अपनी शर्ट के सामने वाले पॉकेट में रखा करते थे, जहाँ से वो थोड़ा सा निकला होता था, स्टक आउट बाहर की तरफ निकला होता था. सो दैट एवरी वन माइट सी इट, हर कोई उसे देख सकता था. Now one morning, एक सुबह, as Mr. Jameel was going along the road, he wanted to sneeze into, and it wasn't there. एक सुबह जब Mr. Jameel सड़क पर जा रहे थे तो वो उनको छींक आई और वो छींकना चाहते थे रुमाल में, लेकिन वो वहाँ नहीं था. Mr. Jameel was so surprised that he forgot to sneeze, which was pity for he really liked a good sneeze. मिस्टर जमील बहुत हैरान हुए, परेशान हुए और उनको छींकना भी भूल गया. फॉर गॉड के मीनिंग्स है भूल जाना, स्नीज छींकना, विच वॉज पिटी, जो कि एक बहुत बुरी बात थी, या मतलब पिटी जिस पर कुछ तरस आता था. फॉर ही रियली लाइक अ गुड स्नीज, क्योंकि वो एक अच्छी छींक छींकना चाहते थे. He stood there feeling anxiously in all his pockets, but it wasn't in any of them. वो वहाँ खड़े बेचैनी से, एंक्शियसली बेचैनी से अपने सारे पॉकेट्स में देख रहे थे, लेकिन वो रुमाल वहाँ नहीं था. Somebody must have taken it, किसी ने ज़रूर वो लिया है रुमाल, said Mr. Jameel. Mr. Jameel ने कहा, Yes, somebody at the meeting I've just been to. हाँ, मीटिंग में किसी ने लिया है, मैंने मुझे देखना चाहिए. Oh, how naughty of them, कितनी शरारत वाली बात है. I'll go straight back and see who's got it. मैं सीधा वापस जाऊंगा और देखूंगा कि किसने वो रुमाल लिया है. They will still be there talking. वो वहाँ अभी भी बातें कर रहे होंगे. So back Mr. Jameel went and told everybody at the meeting that he had lost his red spotted handkerchief. So Mr. Jameel वापस गए और सबको कहा कि मीटिंग में अपना रुमाल खो चुके हैं. You lent it to Haris to wipe some spots off his coat, said Naeem. Naeem ने कहा, आपने ये रुमाल हारिस को दिया था अपनी कोट से कुछ धब्बे साफ करने के लिए. वाइप से मीनिंग है साफ करना, नईम ने कहा. But I gave it back, said Haris at once. हारिस फौरन बोला कि मैंने वो वापस कर दिया था. And he also lent it to Haneef to wave to his aunt. When he passed by the window, said Naeem. फिर नईम ने कहा कि
तुमने इसे अपनी आंटी को हाथ हिलाकर खुशामदीद कहने के लिए दिया था ताकि वो जब वो खिड़की के पास से गुजर रही थी। बट आई गिव इट बैक, आई नो आई डिड, सेड हनीफ। लेकिन हनीफ ने जवाब दिया कि मैंने वापस कर दिया था, मैं जानता हूँ मैंने ऐसा किया है। ही टर्नड आउट हिज पॉकेट एंड सर्टनली देयर वॉज नो हैंडकरचीफ देयर। उसने अपनी जेबें उलटाई और यकीनन वहाँ कोई रुमाल नहीं था। एंड आई लेंट इट टू यू नईम टू पॉलिश योर सिल्वर वॉच चेन दिस मॉर्निंग, सेड मिस्टर जमील। फिर मिस्टर जमील ने कहा कि नईम, मैंने वो तुम्हें दिया था अपना वॉच का चेन पॉलिश करने के लिए। यू मस्ट हैव केप्ट इट, तुमने शायद वो रख लिया है। इंडीड आई डिडंट, सेड नईम। नईम ने कहा ऐसा नहीं है। आई पुट इट बैक इन टू योर पॉकेट माई सेल्फ, मैंने वो खुद ही आपकी पॉकेट में डाला था। डिड यू लैंड इट टू एनी बॉडी एल्स, क्या आपने किसी और को वो हैंडकरचीफ दिया था? येस जमील, लैंड इट टू मी टू पॉप ओवर माई हेड व्हेन आई वेंट आउट इन द सन टू लुक फॉर जावेद, सेड सलीम। हाँ मिस्टर जमील ने वो मुझे दिया था अपना सर ढांपने के लिए। पॉप ओवर माई हेड, मेरा अपना सर ढांपने के लिए जब मैं धूप में बाहर गया था जावेद को देखने के लिए, सलीम ने कहा। आई टाइड अ नॉट इन ईच कॉर्नर, मैंने एक कोने में गिरा लगाई थी उस रुमाल के। बट आई अनटाइड देम व्हेन आई केम बैक एंड गिव द हैंकी बैक टू जमील, लेकिन जब मैं वापस आया तो मैंने वो गिरा खोल दी थी और वो रुमाल खुद मिस्टर जमील को वापस किया था। आई नो आई डिड, मैं जानता हूँ मैंने ऐसा ही किया। इट्स नो यूज लुकिंग एट मी लाइक दैट जमील, आई हैवंट गॉट योर हैंडकरचीफ। इस तरह देखना आपको नहीं चाहिए मुझको। आई हैव गॉट योर हैंडकरचीफ, मैंने आपका रुमाल नहीं लिया। वेल इट इज़ अ वेरी फनी थिंग, सेड मिस्टर जमील फीलिंग एंग्री। अच्छा ये तो बहुत मज़ाक़ा खेज बात है, सेड मिस्टर जमील, मिस्टर जमील ने कहा फीलिंग एंग्री, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे। आई सीम टू हैव लैंड इट टू ऑल ऑफ यू दिस मॉर्निंग एंड आई हैवन गॉट इट माई सेल्फ, सो वन ऑफ यू मस्ट हैव केप्ट इट। आई सीम टू हैव लैंड इट टू ऑल ऑफ यू, मुझे पता है कि मैंने सबको ये रुमाल दिया है आज सुबह। एंड आई हैवन गॉट इट माई सेल्फ, और वो मुझे दोबारा नहीं मिला। सो तुम में से किसी एक ने वो रखा है अपने पास। इट्स वेरी मीन ऑफ यू, ये बहुत बुरी बात है। वेरी वेल मिस्टर जमील, वी ऑल टर्न आउट आवर पॉकेट्स एंड शो यू दैट वी हैवंट गॉट इट। बहुत अच्छा मिस्टर जमील, हम सब अपने पॉकेट उलटाते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने वो रुमाल नहीं लिया, सेड हनीफ, हनीफ ने कहा। एंड एवरी वन टर्न आउट हिज पॉकेट्स फॉर जमील टू सी, और फिर सब ने अपनी अपनी जेबें उलट दी मिस्टर जमील को दिखाने के लिए। There were some receipts, visiting cards, wallets and money, but no red spotted handkerchief. वहाँ पर कुछ रसीदें थीं, receipts का मतलब है रसीदें, मुलाकाती कार्ड थे, उनके पर्स थे, बटुए थे और पैसे थे, लेकिन red spotted handkerchief नहीं था। Now you turn out your pocket, Jameel, said Haneef. Haneef ने कहा मिस्टर जमील को, अब आप अपने pockets उलटाएँ। We will make quite sure you are not making all this fuss for nothing. हमें यकीन हो जाना चाहिए कि आप ये सारा हंगामा किसी वजह से नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं। So Mr. Jameel turned out his pocket, but there was no handkerchief there either. Mr. Jameel ने अपने पॉकेट उलटाए, लेकिन वहाँ कोई हैंडकरचीफ रुमाल नहीं था। It's not a bit of use, said Mr. Jameel. ये कोई छोटी सी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं। इट्स नॉट अ बिट ऑफ यूज, सेड मिस्टर जमील, ये कोई ज़रा भर फ़ायदे की बात नहीं। वन ऑफ यू हैज़ माई ब्यूटिफुल हैंडकरचीफ एंड इट्स वेरी रॉन्ग ऑफ यू, तुम में से किसी एक के पास मेरा खूबसूरत रुमाल है और ये बहुत बुरी बात है। नाउ मिस्टर जमील, व्हेन यू लेफ्ट द मीटिंग, जब आपने मीटिंग को छोड़ा, मीटिंग से निकले, आई नो आई सॉ योर रेड हैंडकरचीफ स्टिकिंग आउट
ऑफ योर फ्रंट कोट पॉकेट, सेड सलीम। सलीम ने कहा, मैं जानता हूँ, मैंने अपना आपका रुमाल देखा था आपकी सामने वाली जेब में थोड़ा सा निकला हुआ। आई जस्ट नो आई डिड सो, इफ़ यू टुक इट अवे योर सेल्फ वी कुडंट हैव केप्ट इट। आई जस्ट नो, मैं जानता हूँ, आई डिड, ऐसा ही हुआ। सो इफ़ यू टुक अवे योर सेल्फ, अगर आप ख़ुद वो ले गए हैं तो हम में से किसी के पास कैसे हो सकता है। डिड यू मीट एनी वन ऑन योर वे होम, क्या आप घर जाते हुए रास्ते में किसी से मिले थे। नो नो बॉडी, सेड जमीन, नहीं किसी से नहीं, मिस्टर जमीन ने कहा। टेल अस एग्जैक्टली व्हाट यू डिड, सेड हनीफ। वेल, सेड जमील, आई लेफ्ट द मीटिंग एंड वॉक अप द रोड, आई सॉ अ डॉग विद अ ब्लैक हेड। उन्होंने कहा, हनीफ ने कहा कि आप हमें सही सही बताएं कि क्या हुआ था। तो मिस्टर जमील ने कहा, आई लेफ्ट द मीटिंग एंड वॉक अप द रोड, जब मैंने मीटिंग को छोड़ा और सड़क पर जा रहा था, मैंने एक काले सर वाला कुत्ता देखा। डिड यू लैंड हिम योर हैंडकरचीफ, आज नहीं, नहीं ने क्या कि आपने अपना रुमाल उसे दिया था, उधार दिया था। नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, सेड जमील, जमील ने कहा। वट वट अ डॉग वॉन्ट अ हैंडकरचीफ फॉर, कुत्ते को रुमाल किस लिए चाहिए। टू वेव टू द इंजन ड्राइवर और द ट्रेन और समथिंग, डोंट बी सिली, या अपने इंजन ड्राइवर को हाथ हिलाने के लिए या किसी और को हाथ हिलाने के लिए उसको यूज़ किया। डोंट बी सिली, बेवकूफ़ मत बनो।